अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में डिटेल गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं रेडमी नोट 8 प्रो का रियलमी XT के साथ। आज यहां पे डिटेल गेमिंग रिव्यू करेंगे, टोटल गेमिंग पे होगी वीडियो और सारे हेवी गेम्स दोनों डिवाइसेस में रन करेंगे, रेडमी नोट 8 प्रो में भी और रियलमी XT में भी। देखेंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी होती है, ग्राफिक दोनों डिवाइसेस में किसकी अच्छी हैं, कलर्स किसके अच्छे हैं और गेमिंग परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, हीटिंग इशू तो नहीं है दोनों डिवाइसेस के गेमिंग के दरमियान। यहाँ पे पबजी टेस्ट करने वाले हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट करने वाले हैं, स्प्लिट 9 करने वाले हैं, तमाम हेवी गेम्स जो हैं, बाकी मजीद भी कुछ गेम्स हैं। और अगर कोई गेम मिक्स हो जाएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जो बता दीजिएगा, उसका हम अलग से बाद में किसी रिव्यू में भी चेक कर लेंगे उसको गेमिंग को। तो यहाँ पे गेमिंग इसलिए कर रहे हैं गेमिंग रिव्यू क्योंकि Redmi Note 8 Pro G90T के साथ आती है 43,000 रुपीस की प्राइस में, जबकि Realme XT आती है Snapdragon 712 के साथ और इसकी प्राइस है 55,000 रुपए। तो यहाँ पे दोनों डिवाइस का देखेंगे गेमिंग किसमें अच्छी होने वाली है, सुपर अमोल्ड डिस्प्ले है, IPS LCD है, ग्राफिक भी देख लेंगे किसकी अच्छी है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो गेमिंग रिव्यू Realme XT वर्सेस Redmi Note 8 Pro। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। स्टार्ट करते हैं गेमिंग रिव्यू। राइट साइड पे है Redmi Note 8 Pro और लेफ्ट साइड पे है Realme XT। और इससे पहले मैं कंपैरिजन वगैरह आपको करके दिखा चुका हूँ दोनों डिवाइसेस का, जिसमें हमने बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह भी देख लिए थे और स्पीड टेस्ट भी कर ली थी, लेकिन गेमिंग रह गया था और कैमरा कंपैरिजन रह गया था। कैमरा कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम गेमिंग रिव्यू करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये देख सकते हैं आप, पबजी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, स्प्लिट 9 है, मॉर्टल कॉम्बैट है, डेड रिगर 2 है, इसी तरह मजीद यहाँ पे भी मेरे पास कुछ गेम्स होंगे। इसके अंदर तो वो पुराने टेम्पल रन है, ये तो पुराने गेम है, लेकिन हम यहाँ हैवी गेम्स को करेंगे सिर्फ कंपैरिजन। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पबजी से, दोनों डिवाइसेस के अंदर पबजी ऑन करते हैं और एक साथ क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि पहले डिवाइस कौन सा ऑन करती है, फिर ग्राफिक भी देखेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट भी देखेंगे। और दोनों डिवाइस को ऐसे रख लेते हैं हम। अब ऊपर के साइड पे आ गया है Redmi Note 8 Pro और नीचे आ गया मेरे पास Realme XT। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आगे चल रहा है मैं कहूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर स्टार्ट हो गई है पबजी। मैं आपको यहाँ पे दोनों डिवाइसेस की ग्राफिक भी दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप दोनों डिवाइस का कलर कंपैरिजन करें, ब्राइटनेस देखें दोनों डिवाइसेस की, क्योंकि ब्राइटनेस फुल हुई है, सेम ब्राइटनेस है। यहाँ पे Redmi Note 8 Pro की भी आप देख सकते हैं ब्राइटनेस फुल है और Realme XT की भी ब्राइटनेस फुल है, दोनों डिवाइस की सेम ब्राइटनेस है, लेकिन कलर्स के अंदर फर्क देखें दोनों डिवाइसेस के, यहाँ पे कितना शार्प है Realme XT। अगर मैं करीब से भी दिखा देता हूँ दोनों डिवाइसेस को, पता नहीं कैमरा फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए मैं करीब से दिखा देता हूँ। कलर्स के अंदर फ़र्क देखें कितना वाजा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। Realme XT के काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं, Redmi Note 8 के डल कलर हैं थोड़े से। अच्छा ग्राफिक भी देख लेते हैं हम यहाँ पे दोनों डिवाइसेस की, सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ आते हैं ग्राफिक में, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए Realme XT के अंदर HD ग्राफिक जो सिलेक्ट हुई हुई है HD हुई हुई है, लेकिन HDR सिलेक्ट नहीं हो रहा है, HDR पे कह रहा है कि आपकी डिवाइस के अंदर ऑप्शन नहीं है। और Redmi Note 8 Pro के अंदर HDR सिलेक्ट है, अल्ट्रा HDR सिलेक्ट नहीं होता, अल्ट्रा HDR पे कहता है कमिंग सून, लेकिन यहाँ पे HDR ग्राफिक है और यहाँ पे सिर्फ HD ग्राफिक है। HD पे फ्रेम रेट हाई है और यहाँ पे HDR पे फ्रेम रेट अल्ट्रा है, तो ज़बरदस्त है यहाँ पे इसके मुकाबले में Redmi Note 8 Pro की ग्राफिक ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं HDR पे अल्ट्रा है और यहाँ पे HD पे हाई ग्राफिक है, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें काफ़ी ज़बरदस्त फ़र्क है। यहाँ पे Redmi Note 8 Pro G90T की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त ग्राफिक दे रहा है, और लेकिन कलर्स के अंदर सुपर अमोल्ड की वजह से Realme XT अच्छा है। दोनों डिवाइस में आपको गेमिंग थोड़ा सा प्ले करते हैं, गेमिंग एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, जब तक वहाँ हो रही है हम थोड़ा सा Realme XT में खेल लेते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, स्मूथ चल रही गेम। यहाँ पे अभी होना भाई, लेकिन यहाँ पे गेमिंग के बाद आप आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मुझे Redmi Note 8 Pro की ग्राफिक ज़रा अच्छी लग रही है। इससे पहले कलर्स यहाँ पे मुझे अच्छे लग रहे थे Realme XT के, लेकिन अभी जब मैंने ग्राफिक ऑन करी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर्स के अंदर कितना फ़र्क है। Redmi Note 8 Pro के कलर ग्राफिक अच्छी है इसके मुकाबले में, लेकिन कलर्स यहाँ पे अच्छे हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि कलर्स यहाँ पे अच्छे हैं, ग्राफिक यहाँ पे अच्छी है,
और यहाँ पे कलर्स के अंदर आप वाजे फर्क नजर आ रहा होगा आपको दोनों डिवाइसेस के। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की ग्राफिक के अंदर कलर्स के अंदर कितना ज़बरदस्त फ़र्क है। रियलमी एक्स टी के कितने ब्राइट कलर्स हैं और कितना ज़बरदस्त शार्पनेस है। कलर्स काफ़ी प्यारे लग रहे हैं रियलमी एक्स टी के अंदर, मुझे ब्राइट भी लग रहा है काफ़ी डिस्प्ले कलर्स की वजह से। और सुपर मोल डिस्प्ले है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कलर्स। पबजी खेलने में अलग मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इसके मुकाबले में इसमें भी अच्छे ग्राफिक हैं रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर भी, लेकिन कलर्स वैसे नहीं हैं जैसे यहाँ पे हमें रियलमी एक्स टी में मिल रहे हैं। गेमिंग दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी है, हालांकि ग्राफिक जब हमने यहाँ पे देखी सेटिंग के अंदर तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग में जब ग्राफिक सिलेक्ट हुई थी तो वो रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर अच्छा सिलेक्ट हुई थी। अल्ट्रा एच डी आर फ्रेम रेट था, अल्ट्रा फ्रेम रेट पे एच डी आर सिलेक्ट हुआ था ग्राफिक, लेकिन कलर्स में बस ऐसा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर हम ग्रास की तरफ आएँ तो Redmi Note 8 Pro की ग्रास में देखें फ़र्क, और यहाँ पे Realme XT की ग्रास के अंदर फ़र्क देखें। दोनों की ग्रास में कितना ब्राइट है, यहाँ पे ब्राइट डिस्प्ले है, यहाँ पे थोड़ा सा डल है। ग्राफिक अच्छी है लेकिन कलर्स इतने वाइब्रेंट्स नहीं है जितने Realme XT के कलर्स इतने ज़्यादा वाइब्रेंट्स है। बाकी एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो सेम एक्सपीरियंस है दोनों डिवाइसेस के अंदर। यहाँ पे अभी तक मुझे दोनों डिवाइस में कोई हैंगिंग वगैरह नहीं मिली, कोई लैगिंग नहीं मिली। स्नैपड्रैगन 712 और MediaTek Helio G90T। इसके अलावा अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है खेलते हुए जो मैं हीटिंग चेक करूं, अभी तक तो नॉर्मल है दोनों का टेम्परेचर, अभी तक दोनों नॉर्मल है टेम्परेचर। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हीटिंग होती है दोनों से डिवाइस या नहीं हो रही। तो ये हो गया हमारे पास पबजी एक्सपीरियंस दोनों डिवाइसेस का। हमने देख लिया यहाँ पे ग्राफिक कलर्स और एक्सपीरियंस भी ले लिया, किसी डिवाइस के अंदर हमें हैंगिंग वगैरह लैगिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे कलर्स के अंदर फ़र्क मिला। इसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी दोनों डिवाइस के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी है। कॉल ऑफ ड्यूटी को ऑन करते हैं दोनों डिवाइसेस में और यहाँ पे भी देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में किसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब दोनों डिवाइसेस में हमारे पास हो चुकी है ऑन कॉल ऑफ ड्यूटी। पहले मैं यहाँ खेलता हूँ उसके बाद उसमें खेलेंगे। कलर्स काफ़ी प्यारे हैं रियलमी एक्स टी के अंदर। तो मर गया, हम खेलते हैं Redmi Note 8 Pro में। वो यहाँ पे भी कलर्स का फर्क है, इसमें भी मर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डिवाइस के अंदर वही कलर्स का फर्क है, काफी ब्राइट कलर्स हैं रियलमी एक्स टी के। कलर्स देखें आप, वाकई कलर्स कितने प्यारे हैं रेडमी नोट 8 प्रो के मुकाबले में। ग्राफिक अच्छी है लेकिन कलर्स के अंदर फ़र्क आ रहा है दोनों डिवाइसेस के अंदर।
यहाँ Redmi Note 8 Pro में गेम विन कर चुका हूँ मैं, Realme XT में भी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी वीडियो गेम को भी एंड करते हैं। कहाँ जाना है? यहाँ पे भी हमें गेम निकल लिया। तो दोनों डिवाइस के अंदर मैंने दिखा दिया क्या एक्सपीरियंस में कोई फ़र्क नहीं है और बिल्कुल सेम है, कोई लैगिंग हैंगिंग वगैरह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क है वो कलर्स के अंदर फ़र्क है। रियलमी एक्स टी के कलर्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं नोट 8 प्रो के मुकाबले में। और मैं आपके यहाँ को जब यहाँ पर गेम एंड हो रहा है तो हम यहाँ पर दोनों डिवाइसेस के हीटिंग इशू भी देख लेते हैं। हीटिंग इशू तो नहीं है किस डिवाइस में, किस डिवाइस में नहीं है, कौन सा डिवाइस हीट हो रही है। और यहाँ पे हीटिंग शुरू हो चुकी है Redmi Note 8 Pro के अंदर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है अभी। हालांकि ज़्यादा देर नहीं हुई है लेकिन हीटिंग शुरू हो गई है। अभी उस टेम्परेचर पे तो नहीं गया जिस टेम्परेचर पे जाता है 40 तक, 43 भी सुना है मैंने, 43 तक के टेम्परेचर पे जाता है, लेकिन अभी उस टेम्परेचर पे नहीं है। हीट कम है लेकिन फिर भी हीटिंग शुरू हो गई है। इसी तरह यहाँ देखते हैं Realme XT बिल्कुल कूल है, कोई हीटिंग नहीं है। Realme XT बिल्कुल कूल है, कोई हीटिंग नहीं है यहाँ पे, ना ऊपर साइड पे ना पीछे की साइड पे, कोई हीटिंग नहीं है। तो इसके मुकाबले में Realme XT के मुकाबले में Redmi Note 8 Pro में हीटिंग शुरू हो गई थी। अब हम देखते हैं दूसरा मज़ीद हमारे पास, दोनों डिवाइस में स्प्लिट 9 ऑन करते हैं और दोबारा से Note 8 Pro को ऊपर की साइड रखेंगे, Realme XT को रखेंगे यहाँ नीचे की साइड। पहले Note 8 Pro में स्टार्ट हो गई तो पहले इसमें खेल लेते हैं। और यहाँ पे हमने गेम विन कर ली है रेस। इसी तरह अब यहाँ पे भी देख लेते हैं Realme XT में। यहाँ पे भी रेस विन कर ली है लेकिन वही फर्क है जो हमें हर गेम में मिल रहा है, कलर्स का फर्क। दोनों डिवाइसेस में आप देख सकते हैं कलर्स के अंदर Realme XT को मैं वाकई कहूँगा कि कलर्स सुपर अमोल्ड की वजह से या कलर्स वाकई अच्छे हैं, लेकिन कलर्स वाकई Realme XT के अच्छे हैं Note 8 Pro के मुकाबले में। एक्सपीरियंस दोनों का सेम मिल रहा है, यहाँ पे कोई हैंगिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई हैंगिंग नहीं मिल रही, कोई लैगिंग नहीं मिल रही दोनों डिवाइसेस के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक इशू आएगा, Note 8 Pro के अंदर हीटिंग इशू है, बैक साइड से गर्म हो गई डिवाइस, जबकि Realme XT कोई हीटिंग नहीं है और कलर्स भी अच्छे हैं यहाँ पे Realme XT के अंदर। हमने स्प्लिट 9 भी खेल लिए है, हम दूसरी एप्लीकेशन गेम ऑन करते हैं यहाँ पे अब, क्योंकि अगर हम एक ही गेम को दो दो बार खेलेंगे तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जानी है और फिर लोग बोर हो जाते हैं इतनी बड़ी वीडियो देखते देखते। दोनों डिवाइस में मॉर्टल कॉम्बैट कौन करते हैं, यहाँ पे ये गेम खेलते हैं एक साथ। फाइट शुरू हो गई है, दोनों डिवाइस में गेम ओपन कर ली है लेकिन वही फ़र्क है कलर्स का, हर गेम में मेरे पास वही फ़र्क आ रहा है। हमारी टीम जीत चुकी है दोनों डिवाइसेस के अंदर, Note 8 Pro में भी और यहाँ पे Realme XT में भी। Dead Trigger 2 खोल लेते हैं, यहाँ पे Redmi Note 8 Pro में भी Dead Trigger 2 खोल लेते हैं।
See you here. Great. I've been stuck here for ages. All right, let's roll. यहाँ पे आप देखें इसके कलर्स। रियलमी XT के साउंड में भी मुझे फ़र्क लग रहा है। रियलमी XT का साउंड मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा है Redmi Note 8 Pro के मुकाबले में। और यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो चुका है, वही कलर्स का फ़र्क है। बार बार हमें हर गेम के अंदर रियलमी XT के कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं Redmi Note 8 Pro के मुकाबले में। साउंड स्लो कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने देख लिया दोनों डिवाइस का, गेमिंग रिव्यू भी कर लिया है, सारे तमाम हमने हेवी गेम्स ओपन किए हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर। ग्राफिक्स सेम है दोनों डिवाइसेस के अंदर और एक्सपीरियंस सेम है, किसी डिवाइस में हमें हैंगिंग लगिंग वगैरह नहीं मिल रही। लेकिन जो फ़र्क है वो दोनों डिवाइस में सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ पे हमें कलर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, वाइब्रेंट कलर्स है, ब्राइट डिस्प्ले है। इसके मुकाबले में Redmi Note 8 Pro में थोड़े से डल कलर्स हैं, ग्राफिक अच्छी है लेकिन कलर्स थोड़े से डल हैं। तो ये दोनों डिवाइस के गेमिंग रिव्यू हो गया है और मैंने हीटिंग इशू को बता दिया कि Redmi Note 8 Pro यहाँ पे पीछे से बैक साइड से कैमरे के पास से हीटअप होना शुरू हो गई है। Redmi Note 8 Pro के अंदर हीटिंग इशू है लेकिन Realme X2 के अंदर हीटिंग इशू नहीं है। Realme X2 बिल्कुल कूल डाउन है, डिवाइसेस दोनों में सेम वक्त में सेम एप्लीकेशंस ऑन की हैं लेकिन Redmi Note 8 Pro हीटिंग हो गई है, हीट शुरू कर दी है और XT बिल्कुल कूल है, यहाँ पे कोई हीटिंग वगैरह नहीं है। तो ये था दोनों डिवाइस का गेमिंग रिव्यू। तमाम हेवी गेम्स मैंने आपको ऑन करके दिखा दी, ग्राफिक हमने खेल के दिखा दी। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी भी तकरीबन इतना फर्क नहीं पड़ा, सेम है बैटरी की ड्रेंट दोनों का, दोनों डिवाइसेस का। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि अभी अगली वीडियो जो होगी वो इन दोनों डिवाइस का कैमरा कंपेरिजन होगा, वो वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगा। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लिएगा। अल्लाह हाफिज़।